तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मेरी खुद की बर्थडे केक। बहुत सारे लोगों की जैसे मेरी बर्थडे भी आई है लॉकडाउन में, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैंने ये केक बनाई है। सिर्फ इसके अंदर ब्रेड, व्हिप क्रीम और ग्लूकोन डी का यूज़ किया है। और अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है और फिर भी आपको बर्थडे केक बनानी है तो आप ये केक घर पर बना सकते हो। ये केक मैंने ओरियो, इनो और दूध से ही बनाई है। तो अगर आपको बिना व्हिप क्रीम के केक बनानी हो, ये रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर दिख रही होगी। तो ये जो केक है फ्रेंड्स, वो मैंने ब्रेड से बनाई है और इसका टेक्सचर और टेस्ट भी बिल्कुल बेकरी वाली जो हम केक लाते हैं बिल्कुल वैसा आता है। और मेरी ये वाली बर्थडे पे फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने ढेर सारे विशेस दी थी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम ऑरेंज सॉस का एक मिक्सचर बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्लूकोन डी लिया है। अगर आपको ग्लूकोन डी नहीं मिलता और रसना ऑरेंज फ्लेवर का मिलता है तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास घर पे फ्रेश ऑरेंज पड़ा है तो आप 4 ऑरेंज का जूस निकाल के भी इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो एक बाउल के अंदर मैं 10 चम्मच जितना ग्लूकोन डी डाल लेती हूँ। आप किसी और फ्लेवर का भी ग्लूकोन डी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 कप जितना इसके अंदर पानी डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, हमने जो कॉर्नफ्लोर डाला था अच्छे से डिजोल्व हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है और मैंने गैस को चालू कर लिया है मीडियम फ्लेम पे, और इसके अंदर हमारा जो ऑरेंज वाला मिक्सचर है ये डाल लेते हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर ही 10 मिनट तक अच्छे से इस तरह से हिलाते हुए पकाएंगे। धीरे धीरे ये पकते जाएगा और आप देखेंगे जो हमारा मिक्सचर है वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुकी है इसे पकाते हुए, आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक हो चुका है हमारा मिक्सचर। 10 मिनट हो चुकी है, गैस को बंद कर देते हैं। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी का आपका मिक्सचर होना चाहिए। तो गैस को बंद कर दिया है, अब इसे हम एक साइड में रख देंगे। अब हम थोड़ा सा क्रीम व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर 2 कप जितना व्हिप क्रीम लिया है। ये वाला जो क्रीम है फ्रेंड्स, ये नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम है। इस तरह का एक बड़ा सा पैकेट मिलता है तकरीबन 180 रुपीज़ का। अगर आपको डेरी व्हिपिंग क्रीम मिलता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर व्हिप क्रीम का भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक इलेक्ट्रिक व्हिपर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये जो हैंड व्हिस्क आता है इसकी मदद से भी क्रीम को व्हिप कर सकते हैं। इससे व्हिप करते करते आपको तकरीबन 15 मिनट लगेगी। एक ही डायरेक्शन में इसी तरह आपको इसे घुमाते रहना है तो आसानी से एक व्हिप क्रीम आपका बन जाएगा। तो मशीन से इसे तकरीबन 5 से 8 मिनट लगती है। तो शुरुआत की जो 2 मिनट होती है फ्रेंड्स, तब हमारी जो मशीन की स्पीड है इसे हम मीडियम ही रखेंगे, और इसके बाद हम इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे और इसे इस तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे। और जैसे जैसे आपका क्रीम व्हिप होते जाएगा उसका जो साइज़ है वो एकदम डबल हो जाएगा और वो एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा। ये देखिए हमारा क्रीम व्हिप हो चुका है, तकरीबन 7 मिनट लगे हैं मुझे। और इस तरह के पीक्स बनने चाहिए फ्रेंड्स, इस तरह के पीक्स आपके क्रीम में बन रहे हो तब आप समझ लीजिए कि आपका जो क्रीम है वो यूज़ करने के लिए रेडी है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पीक्स हमारे बन रहे हैं, तो क्रीम यूज़ करने के लिए रेडी है। यहाँ पर मैंने 16 जितनी स्लाइस ब्रेड ले ली है और इसकी जो बॉर्डर्स थी वो मैंने काट ली है, और इसे मैंने छोटी साइज़ की जो ब्रेड आती है वहीं ली है, आप बड़ी भी ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा हेल्दी बनाना है इसे तो आप जो होल व्हीट ब्रेड आती है या मल्टीग्रेन ब्रेड आती है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम केक का डेकोरेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सचर बनाया है फ्रेंड्स, हम जो नॉर्मल ग्लूकोन डी बनाते हैं वैसा ही मैंने एक मिक्सचर बना लिया है थोड़ा सा। इसका यूज़ हम जो हमारी ब्रेड है इसे सोक करने के लिए थोड़ा सा करेंगे। तो लगभग आधे कप जितना इतना मिक्सचर आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्हिप क्रीम ले रही हूँ और नीचे इस तरह से पहले हम थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा लेंगे, इससे जो हमारी केक है उसे एकदम स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा।
अब इसके ऊपर हम ब्रेड रखते जाएंगे एक एक करके। तो एक टाइम में मैं 4 ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हमने जो ग्लूकोन डी वाला पानी बनाया था वो ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी जो ब्रेड होगी वो थोड़ी सी सूखी होगी ब्रेड। तो इस तरह से इसे सोक करने से हमारी जो ब्रेड है वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी और आप जब भी केक कट करोगे तो वो अच्छे से कट पाएगी। अब इसके ऊपर हमने जो ग्लूकोन डी का थिक मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम विप क्रीम वापस से लगाएंगे। एक अच्छे से थिक लेयर करना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें। और एक स्पैचुला की मदद से या एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से लेवल भी करते जाएंगे ताकि हमारी जो केक है वो एकदम अच्छे से लेवल में बने। और जो सारे स्टेप है वो इसे हम इस तरह से वापस से रिपीट करते जाएंगे। तो तकरीबन ऐसे हमें 4 लेयर बनाने हैं केक के। तो चौथा लेयर भी बन चुका है, अब ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ढेर सारा विप क्रीम इस तरह से हम लगा लेंगे केक के ऊपर। साइड्स है इसके ऊपर भी हम विप क्रीम लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जब हम डेकोरेट करें तो ये अच्छे से स्प्रेड हो पाए। यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और अब हम केक को फिनिशिंग देना शुरू करते हैं। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे तरह से आप अपनी जो केक है इसे अच्छे से लेवल कर ले। हो सके उतना आप अपनी जो केक है इसे इस तरह से स्मूथ बनाने की ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग ले ली है, आप दूध की थैली भी इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम एक ग्लास के अंदर फिक्स कर लेंगे। अब हमने जो ग्लूकोन डी का एकदम थिक मिक्सचर बनाया था इसे हम इसके अंदर डाल लेते हैं। इसे हम उठा लेंगे और इसकी जो आगे का एंड है इसे थोड़ा सा हम काट लेंगे, बहुत बड़ा नहीं काटना है फ्रेंड्स। और इस तरह से हम केक के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये केक को फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कैसे भी डेकोरेट करना चाहो कर सकते हो। चारों तरफ इसे इस तरह से हम डेकोरेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से पैरेलल लाइंस बनाएंगे। टूथपिक लेंगे और इस तरह से जो केक है इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। इससे बहुत ही सुंदर स्वर्ल्स बनते हैं केक के ऊपर, ये डेकोरेशन में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने दूसरी पाइपिंग बैग ले ली है, ऊपर से इसे थोड़ा सा काट लिया है और यहाँ पे मैंने स्टार नोजल ले ली है। तो इसे हम इसके अंदर डाल लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा ये बाहर रहना चाहिए ये ध्यान रखिए। इसे भी हम ग्लास के अंदर डाल लेते हैं। अंदर हम विप क्रीम भरेंगे। तो ऐसी अरेंजमेंट करने से फ्रेंड आपको पाइपिंग बैग में विप क्रीम भरने में आसानी रहती है। तो हो सके उतना क्रीम हम भर लेंगे और देखिए हमारी पाइपिंग बैग भी रेडी है। के ऊपर इस तरह से हम अच्छे से डिज़ाइंस बना लेंगे। ऊपर से हम इस तरह से थोड़ी सी चेरी रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बर्थडे केक कितनी जल्दी बन के रेडी हो गई है। इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रीज के अंदर सेट करने के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसको यूज़ में लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू मी। केक मैंने कट कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो केक है वो कट हो रही है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और आप अंदर के लेयर्स भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से लेयर्स बने हैं केक के। और बिलीव मी फ्रेंड्स, इसका जो टेस्ट है मैंने टेस्ट की है खुद से, इसका टेस्ट बिल्कुल ही बेकरी जैसे केक का ही आता है। आप डिफरेंस नहीं बता सकते इसके बीच में कि कौन सी बेकरी वाली है और कौन सी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी लग रही है। तो अगर आपकी बर्थडे या फिर एनिवर्सरी इस लॉकडाउन में आ रही है तो ऐसी केक आप घर पर बना सकते हैं। आप ये केक घर पे ज़रूर से ट्राई करें, मुझे फ़ोटोज़ सेंड करें मेरे FB और इंस्टा पे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।